हेलो एवरीबॉडी, आई एम स्वाति। वेलकम है आपका मेरी एसजीसी क्लासेस में। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, व्हाट इज मेथड ऑफ स्ट्रिंग। मेथड ऑफ स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग जैसे कि आप जानते हैं, कोई एक सेंटेंस, ठीक है, जिससे कॉपी कैट एंड बहुत से स्ट्रिंग में फंक्शंस होते हैं। बट हमारे पास आज स्ट्रिंग का सिर्फ एक सेंटेंस होगा, जिसमें हम पाइथन के अलग अलग मैथड्स को यूज करेंगे। उससे अलग अलग हम देखेंगे मेथड्स का यूज कैसे करते हैं। तो फर्स्ट हम एक सेंटेंस ले लेते हैं, मीन्स अ स्ट्रिंग। फर्स्ट हमारा सेंटेंस होगा इन्फो पाइथन पाइथन इज अ फन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये हमने एक इंफॉर्मेशन टाइप का ले लिया है, पाइथन इज अ फन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। ये हमारा एक स्ट्रिंग है। अब हम इस पे अलग अलग मेथड्स यूज करेंगे। तो फर्स्ट हमारा मेथड आता है स्पिल्ड। व्हाट इज स्पिल्ड? स्पिल्ड स्पिल्ड मीन्स, पहले मैं बता दूं आपको कि स्पिल्ड मीन्स होता है किसी चीज को ब्रेक करना, अलग करना, तोड़ना, ठीक है। मीन्स ब्रेक नहीं कहेंगे बट अलग करना कहेंगे। अभी हमने देखा पाइथन इज अ फन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बिल्कुल एक जैसा एक साथ है, बट हम इसे कैसे सेपरेट करेंगे। तो फर्स्ट हम इसमें अपना प्रोग्रामिंग का सिंटैक्स लिखते हैं। प्रिंट, आप लिखोगे प्रिंट ब्रैकेट में इन्फो डॉट स्पिल्ड स्पिल्ड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज एंड ये मेन ब्रैकेट क्लोज, ओके। जैसे आप इसे लिख के रन कराएंगे प्रिंट इन्फो डॉट स्पिल्ड, ठीक है, तो अब आपका आउटपुट क्या आने वाला है वो मैं शो कर देती हूँ आपको। आउटपुट इसका आउटपुट कुछ ऐसे आएगा जैसे पाइथन लिखा है। तो पहले पाइथन, ध्यान दीजिएगा इधर ध्यान से, कॉमा पाइथन कॉमा, ठीक है, फिर इज सिंगल इनवर्टेड कॉमा इज, देन आफ नेक्स्ट कॉमा ए ए फन। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसे ही चलता जाएगा। तो इट इज कॉल्ड स्पिल्ट, मीन्स प्रिंट इन्फो डॉट स्पिल्ट एंड हमने अपना प्रोग्राम रन कराया। तो ये कुछ आउटपुट इसका ऐसे आएगा। फर्स्ट मेथड इज कंप्लीट और इस मीन्स स्पिल्ट मेथड इज अ स्ट्रिंग इन अ लिस्ट। इट इज कॉल्ड स्ट्रिंग इन अ लिस्ट की एक लिस्ट में जो स्ट्रिंग होती है उसको सेपरेट करना। स्पिल्ट मेथड इज सेपरेट स्ट्रिंग इन अ लिस्ट। नेक्स्ट हमारा फाइंड फाइंड सॉरी ज्वाइन मेथड पहले हम सीख लेते हैं, क्योंकि स्प्लिट हमने किया है, हम ज्वाइन करना सीख लेते हैं। सेकेंड हमारा ज्वाइन ज्वाइन। व्हाट इज ज्वाइन? ज्वाइन इज अ कंबाइंड एलिमेंट। ज्वाइन इज अ कंबाइंड एलिमेंट। जितने एलिमेंट हैं जो हमारे सेपरेट सेपरेट हो जाते हैं उन्हें हम ज्वाइन करेंगे। सो प्रिंट द सिंगल इनवर्टेड कॉमा लगाएंगे, कॉमा ज्वाइन ब्रैकेट ओपन इन्फो ब्रैकेट क्लोज मेन ब्रैकेट क्लोज, ओके, इन्फो मेन ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपका प्रिंट सिंगल इनवर्टेड कॉमा ओपन एंड क्लोज कॉमा ज्वाइन इन्फो। तो ये हमने ज्वाइन का सिंटेक्स लिख दिया। अब इसका आउटपुट मैं आपको शो कराती हूँ। आउटपुट आउटपुट अभी क्या हमारा सेपरेट है, ये सेम इस फॉर्म में आ जाएगा। पाइथन इज अ फन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ज्वाइन मीन्स जो चीज सेपरेट थी वो आपकी ज्वाइन मेथड में सेम आ जाएगी। सपोज दैट आपने लिखा माय नेम इज रॉकी, तो अभी वो स्प्लिट फॉर्म में हुआ तो ये आपका ज्वाइनिंग फॉर्म में दिखाएगा। नेक्स्ट मेथड लेते हैं थर्ड,
फाइंड मेथड. फाइंड, व्हाट इज फाइंड? फाइंड मेथड इज डिस्क्राइब्स अ स्पेसिफाइड अ वैल्यू. क्या स्पेसिफाइड अ वैल्यू करता है फाइंड मेथड? सपोज दैट फर्स्ट हम प्रिंट सिंटेक्स लिख लेते, प्रिंट फाइंड हमें करना है, प्रिंट एंड देन आफ्टर इन्फो, इन्फो डॉट फाइंड. अब आप क्या फाइंड करना चाहते हो यहाँ पे? सपोज दैट मैं फाइंड करना चाहती हूँ फन, फन ब्रैकेट क्लोज, फन हमें फाइंड करना है. हम निकालेंगे आउटपुट, ये हम निकालते हैं आउटपुट. अब देखिए आउटपुट क्या आएगा, फन कैसे आएगा? आउटपुट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पे रॉन्ग हो गया है, 7, 8, 9, 10, 11 एंड ये 12. तो ये हमें मिला फाइंड 12 पे, तो हमारा आउटपुट आएगा 12. ओके गाइस, तो फाइंड सिंटेक्स कुछ इस टाइप का होगा और हमारा आउटपुट क्या आएगा. देखिए स्टार्टिंग इसकी हमेशा पाइथन में जीरो से होगी, नॉट वन से. इस चीज का खास ख्याल रखिएगा. फाइंड नेक्स्ट इंडेक्स मेथड. इंडेक्स, व्हाट इज इंडेक्स? इंडेक्स मेथड इज यूज्ड टू, सपोज दैट सबसे पहली बात तो ध्यान रखिएगा, कुछ इंडेक्स भी हमारा समझ रहे होंगे आप कैसे इंडेक्स को फाइंड आउट करना है. इंडेक्स मेथड इज यूज्ड टू स्ट्रिंग इन अ लिस्ट. ओके, स्ट्रिंग इन अ लिस्ट या ऑर्डर्ड इन अ लिस्ट, एक ऑर्डर लिस्ट होगी उसमें हमें उसका इंडेक्स फाइंड करना है. सो नेक्स्ट हमारा है इंडेक्स. इंडेक्स इज अ कंबाइंड फाइंड स्ट्रिंग इन अ लिस्ट एंड ऑर्डर्ड लिस्ट. इंडेक्स होता है कि पोजीशन को ढूंढना कि ऑर्डर्ड लिस्ट में वो पोजीशन क्या है और कहाँ है. ठीक है, तो हम सबसे पहले सिंटेक्स लिखते हैं इसमें कुछ. प्रिंट प्रिंट इन्फो डॉट इंडेक्स. अब हम किसका इंडेक्स फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, मैं इसको यहां ना लिख के यहां लिखती हूँ ताकि आपको समझ में आए. अब हम किसका इंडेक्स फाइंड आउट करना चाह रहे हैं इसमें, सपोज दैट ए, ये हमें ए का इंडेक्स फाइंड आउट करना है. तो इसका आउटपुट क्या आएगा और कैसे आएगा? अब देखिए ए सेम प्रोसेस है, हम पहले काउंट करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो ये 10 है, ए का इंडेक्स 10 आएगा. ठीक है, एक इसी का मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाती हूँ. जैसे कि प्रिंट इन्फो डॉट इंडेक्स. अब हम यहाँ पे फाइंड करना चाह रहे हैं कुछ और. सपोज दैट मैं फाइंड करना चाह रही ओ, तो ये हमने पहले लिया ओ सिंगल इनवर्टेड कॉमा में कॉमा 6. अब ये क्या नई चीज है? ये नई चीज है कि इस 6 का मीन्स एक्चुअली होता है क्या है कि हम जो भी इंडेक्स फाइंड कर रहे हैं स्प्लिट स्प्लिट एंड ज्वाइन फाइंड, इसमें होता है सबसे पहले पैटर्न स्टार्ट एंड एंडिंग पॉइंट. मतलब हम स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट देन ओके फिर एंडिंग पॉइंट से भी ले सकते हैं. बट यहाँ इस ओ कॉमा 6 का मीन्स है कि ओ हमें फाइंड तो करके दीजिए बट आफ्टर 6 नंबर्स के इंडेक्स के बाद. तो जब 6 कंप्लीट हो जाए इंडेक्स उसके बाद ओ बता दीजिए कितने हैं. ठीक है, मीन्स समझने का है हमें ओ जानना है अपने इस पूरे स्ट्रिंग में बट 6 इंडेक्स के बाद. ओके गाइस, तो हम काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6. इसके बाद हमें वो बताएगी कितने हैं. तो हमारे पास देखिए एक ओ तो हम छोड़ रहे हैं इस ओ को. ठीक है, इस ओ को हम छोड़ दे रहे हैं क्योंकि हमसे बोल दिया है 6. इस 6 के बाद बताएंगे कितने ओ हैं हमारे पास. एक ओ है, आगे कोई ओ नहीं है. प्रोग्रामिंग प्रो, तो हमारे पास इसका आउटपुट आएगा ओनली 1 बिकॉज हमारे पास इस इंडेक्स में ओनली 1 ही ओ है. ओके, तो ये हुआ इंडेक्स. नेक्स्ट आता है हमारा काउंट. काउंट सेम काउंट भी कुछ ऐसे ही है. प्रिंट
इन्फो डॉट, वहां लिखे यहां लिख रही हूँ काउंट। अब देखिए आपको काउंट करना है। अब काउंट मीन्स काउंट इज यूज टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। काउंट इज यूज टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स हैं आपके यहाँ पे ये आपको बताएगा। हमें क्या काउंट करना है, हम यहाँ पे काउंट करना चाह रहे हैं ए। चलिए ए काउंट कर लेते हैं, ए हम काउंट करते हैं कितने ए हैं। तो हमारे पास ए है वन, प्रोग्रामिंग ए दो, वन टू, वन टू थ्री फोर। तो हमारे पास इसका आउटपुट आएगा फोर, ठीक है। तो इस काउंट का मीन्स प्रिंट इन्फो डॉट काउंट ए, तो हमारे पास इसका आउटपुट आया। तो ये था मेथड ऑफ स्ट्रिंग। सो काउंट मेथड इज फिनिश्ड। सो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहती हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपने नोटिस किया होगा फाइंड एंड इंडेक्स, व्हाट इज द डिफरेंस फाइंड एंड इंडेक्स, क्योंकि सेम लग रहे होंगे। एक्चुअली प्रिंट इन्फो डॉट फाइंड फन हमने काउंटिंग की एंड बता दिया फाइंड करके। इंडेक्स प्रिंट इन्फो डॉट इंडेक्स ए हमने काउंटिंग की 0 1 2 3 4 5 6 एंड इंडेक्स बता दिया। बट डिफरेंस क्या है, क्योंकि सेम लग रहे है। फाइंड में आपका डिफरेंस, फाइंड में ये है आपका इफ आई विल गिव यू, अगर हम देना चाहेंगे कि फन के प्लेस पे अगर सपोज दैट मैंने दे दिया क्विक। अब यहाँ पे तो क्विक है नहीं, क्योंकि हमारा स्ट्रिंग क्या है, पाइथन इज अ फन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट हमने वर्ड दिया क्विक और क्विक यहाँ नहीं है। तो क्विक के प्लेस पे क्या आएगा, अब जब आप प्रोग्राम रन कराएंगे तो आपका आएगा माइनस वन, इट रिटर्न्स माइनस वन। ओके गाइस, सो ध्यान से सुनिएगा, अगर हम फाइंड में कोई ऐसा वर्ड देते हैं जो हमारे इस लिस्ट में है ही नहीं, स्ट्रिंग को हम लिस्ट भी बोल सकते हैं। फ्रेंड्स कंफ्यूज मत होइएगा, स्ट्रिंग को हम लिस्ट भी बोल सकते हैं। एंड फाइंड में अगर हमने क्विक दे दिया और हमारा इस लिस्ट में क्विक नहीं है तो माइनस वन आएगा। एंड हियर अगर ए के प्लेस पे देखिए यहाँ पे ए था, काउंट करके उसने 10 दे दिया, कौन सी इंडेक्सिंग है 10, ओके ओके। बट हमने सपोज दैट दिया जेड, आप देख रहे हो पाइथन इज अ फन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कहीं भी कोई जेड नहीं आया है, इट रिटर्न्स एरर, एरर सॉरी ओके, ये हमें रिटर्न देगा एरर। तो यही डिफरेंस है आपका, कि अगर फाइंड में वो वर्ड नहीं है तो माइनस वन, एंड इंडेक्स इट रिटर्न्स एरर, एक यही डिफरेंस है। एंड मेथड ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को लिस्ट भी बोल सकते हैं। एंड नेक्स्ट थिंग है ये जो प्रिंट ऑफ है इन्फो डॉट, इसका एक सिंटेक्स टाइप का होता है, जैसे कि आपने प्रिंट ऑफ किया, प्रिंट डॉट प्रिंट ब्रैकेट लिया इन्फो डॉट, ठीक है। एक्चुअली इंडेक्स या स्पिल्ट या काउंट, तो यहां पे मैं आपको बता दूं, पहले एलिमेंट कॉमा स्टार्टिंग पॉइंट कॉमा एंडिंग पॉइंट, ये आपका ये शो कर रहा है, ये जो एलिमेंट है ये आपको वैल्यू देना कंपलसरी है, एंड स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट इट इज अ ऑप्शनल, ओके। एलिमेंट सपोज दैट मैं काउंट का लेती हूँ, ठीक है, प्रिंट इन्फो काउंट। अब काउंट तो आप कुछ तो इसमें वैल्यू देंगे ना, एलिमेंट देंगे ना, तभी तो काउंट करेगा, तो ये आपका कंपलसरी है। बट स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट, जैसे कि मैंने यहां किया था, एक्चुअली स्टार्टिंग कहां से आप स्टार्ट करना चाह रहे हो, एंडिंग अगर आप यहां चाहते हैं कॉमा लगा के एंडिंग भी दे सकते हैं, तो ये इट इज कंपलसरी एंड इट इज ऑप्शनल। सो गाइज ये था हमारा मेथड ऑफ स्ट्रिंग। आई नो थोड़ा सा स्पेस कम होने की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई होगी समझने में, बट डोंट वरी, मैंने एक एक चीज को डिफाइन किया, एक एक मेथड को, स्पिल ज्वाइन फाइंड इंडेक्स काउंट, इसी तरीके से आपका रिप्लेस भी होता है। एक्चुअली रिप्लेस में मीन्स अगर मैंने प्रिंट इन्फो काउंट ए, ए के प्लेस पे अगर हम एस्ट्रिक देना चाहते हैं या हैश देना चाहते हैं, तो आप सिंगल इंडेटेड कॉमा में करके एस्ट्रिक दे देंगे या हैश दे देंगे, तो जहां जहां पे ए है
ए यहाँ पे एस्ट्रिक आ जाएगा। इट इस मेथड को बोलते हैं रिप्लेस। तो काफी सारी इन्फॉर्मेशन मेरी वीडियो से आपको जरूर मिली होगी, कहीं ना कहीं हेल्प भी मिली होगी। सो गाइस इस 2-3 बार इस वीडियोस को देखिए, अच्छे से वीडियो को देखिए ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो। और अब फिर भी आपका कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में क्वेरी कीजिए, आई होप मैं उसका रिप्लाई दे सकूं। एंड बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच।